शनि देव तो अपनी माता का आशीर्वाद लेने पहुँचे थे, किंतु देवी संज्ञा और सूर्य देव ने जब देवी छाया को उनके द्वारा पूर्व में दिए गए वचन का स्मरण दिलाकर देवी छाया को विवश किया तो परिस्थिति कुछ विकट पूर्ण हो गई। अपने वचन का स्मरण अवश्य करिएगा देवी, कि जिस दिवस आपकी अपने पुत्र से भेंट होगी उस दिवस के अंत के पूर्व आप स्वयं देवी संज्ञा में समाहित हो। पुत्र, मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वामी का आदेश सर्वोपरि है। मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती। स्वयं तुम्हारा अस्तित्व भी तो इन्हीं से है, तो इनके आदेश को नकार कर मुझे रोकने का क्या अधिकार है? नहीं माँ, आप ऐसा नहीं करेंगी माँ। पुत्र, अपना ध्यान रखना। माँ, मैं आप तुम्हें सौगंध है पुत्र। अब तुम मुझे नहीं रोकोगे। जाने दो मुझे। माँ, रुक जाइए। और देखते ही देखते शनि जी के समक्ष, अपने पुत्र के समक्ष देवी छाया ने एक छाया का रूप धारण कर देवी संज्ञा में विलीन हो गई। माँ, माँ, माँ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो रही है, कैसे रोकूं उन्हें? माँ, अब उचित यही होगा पुत्र शनि कि तुम इसमें बाधा ना डालो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपने तो कहा था कि एक बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पालूं तो आप मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगी माँ, मेरे साथ रहेंगी। किंतु ये कैसा साथ है माँ? ना आपका स्पर्श है, ना आपका आशीष है, और ना ही आपकी ममता मई आंचल की छाँव का आनंद ले सकता हूँ मैं माँ। मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ, अब आपके आपके स्नेह से रिक्त मेरे इस निरर्थक जीवन का क्या लाभ है माँ, क्या लाभ है? स्वामी, संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को स्वामी। स्वामी माँ, पुत्र, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, किंतु तुम्हारा परिवार तो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम्हारा पिता और देवी संज्ञा भी तो तुम्हारी माता ही है, इसलिए स्वयं को संभालो। इस संताप में स्वयं को खोने से रोक लो पुत्र।
आपको मुझे नहीं, उन्हें रोकना चाहिए था। रोकना तो आपको मेरी माँ, आपकी अर्धांगिनी देवी छाया को चाहिए था, किंतु आपने मेरी माँ का विचार नहीं किया, मेरा विचार नहीं किया। अपने स्वार्थ से भर कर केवल स्वयं का और देवी संज्ञा का विचार किया और अनाथ कर दिया मुझे, अनाथ कर दिया। नहीं पुत्र, स्वयं को अनाथ मत कहो, हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। बस आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारा प्रलाप, बहुत हुआ तुम्हारा क्रोध प्रदर्शन, बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। और वैसे भी तुम्हारे इस अहंकार का क्या आधार है? जब भी यहाँ आते हो एक नवीन विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देते हो। मैं निरंतर तुम्हें अपना पुत्र पुकार कर तुम्हारे दुख को शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम निरंतर मुझे अपमानित किए जा रहे हो, जैसे तुमसे महत्व कोई है ही नहीं, तुमसे महत्व कोई है ही नहीं। तो बताओ मुझे, ऐसा क्या गुण है तुम्हारा जिसके कारण तुम स्वयं को इतना असाधारण मानते हो? ऐसा क्या प्राप्त किया है तुमने अपने जीवन में? बताओ मुझे। देखो मुझे, देखो मैं प्रतिदिन एक भीषण विलंब किए बिना उचित समय पर जगत की सेवा के लिए उपस्थित होता हूँ। सभी को मेरी ही ऊर्जा से प्राण शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए एक प्रकार से सृष्टि को गतिमान रखने में मेरी भूमिका है। और तब मुझे कोई अभिमान नहीं। और तुम क्या हो? तुम आज तक किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं दिया तुमने, फिर भी ज्ञात नहीं किस बात का तुम्हें इतना अभिमान, इतना दम है? बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त अस्तित्व क्या है मेरा आपके समक्ष? ये प्रश्न किया है ना आपने मुझसे? सुनिए, उचित समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये छाया पुत्र शनि इस जगत में अपना परिचय स्वयं स्थापित करेगा। इतने घोर तप के उपरांत भी शनि जी का क्रोध उनके नियंत्रण में नहीं आया था? क्रोध तो उनके स्वभाव का भाग था गणेश जी, जो उन्होंने अपने माता के गर्भ में प्राप्त किया था, और माता के गर्भ में रहते हुए जो अनुभव शिशु को होते हैं, उन प्रभाव से जिस प्रकार शिशु के व्यक्तित्व का विकास होता है, वही उसका संपूर्ण जीवन के लिए उसका मूल और स्थायी स्वभाव बन जाता है।
इसलिए शनि का मूल स्वभाव था क्रोध। इसलिए जब कोई स्त्री गर्भवती हो, मातृत्व का सुख प्राप्त करने जा रही हो, तब उसके वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे उत्तम विचार, सुमधुर ध्वनियों का श्रवण और पौष्टिक भोजन प्राप्त होने चाहिए। उसके समस्त अनुभव प्रसन्नता पूर्ण होने चाहिए। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भूख क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। यही उचित अवसर है मूषक जी। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण शनिदेव एक बात तो भूल ही गए थे कि देवी मंदा उनके साथ ही थी। रुकिए स्वामी, मुझे यहाँ क्यों और किस विश्वास पर छोड़कर जा रहे हैं आप? मेरा भी वही परिणाम होगा जो आपकी माता का हुआ था? क्या मेरा अस्तित्व भी उन्हीं के समान हो जाएगा? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी मंदा, किंतु वहां मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ उसे मैं सहन नहीं कर सका, इसीलिए बिना कुछ सोच विचार किए वहां से चला आया। तो क्या ये भी भूल गए आप कि वहां आपके साथ मैं भी थी? मुझे भी भुला दिया आपने। नहीं देवी मंदा, कुछ समय के लिए तो मैं स्वयं को भी भूल गया था। मेरा मन अत्यंत विचलित था, मेरी मना स्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं थी, अन्यथा मुझसे ऐसी भूल नहीं होती। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मेरे साथ विवाह कर अपने कथन को प्रमाणित कीजिए। मैं आपसे विवाह अवश्य करूँगा देवी, किंतु 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 क्या? किंतु उसके तप करना होगा, अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करना होगा, प्रमाणित करना होगा मुझे अपने मेरा अर्थ है सूर्य देव के समक्ष। स्वयं महादेव ने मेरी माँ को मेरे तेजस्वी होने का वरदान दिया था। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो जगत में शनि के नाम से विख्यात होगा। अब महादेव ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे उचित मार्ग दिखाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कठोर तप के उपरांत मैं इतना शक्तिशाली और महान बनकर वापस लौटूंगा जिसकी कल्पना करना भी सूर्यदेव के लिए कठिन होगा। इसलिए देवी, मुझे तपस्या पर जाना अत्यंत आवश्यक है। फिर मेरा क्या होगा? एक और नवीन कारण ढूंढ लिया मुझसे विवाह ना करने का। किंतु मैंने आपको अपना सर्वस्व मानकर आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। जिस प्रकार आपकी माता ने स्वयं को आपके पिता की सेवा में समर्पित कर उनको पूजा था, उनके और उनके परिवार के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, और जब सूर्य देव ने अपनी अर्धांगिनी आपकी माता देवी छाया को स्वीकार नहीं किया था, तो उनके पुत्र ने अर्थात आपने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। यहाँ मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। किंतु मुझे मेरे अधिकार कौन दिलाएगा?
कौन संघर्ष करेगा मेरे लिए? क्या जिस प्रकार देवी छाया के समक्ष देवी संज्ञा में समाहित होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था, कहीं आपके द्वारा ठुकराए जाने पर मेरे समक्ष भी अग्नि में समाहित होकर अपना अस्तित्व मिटाकर एकमात्र विकल्प न शेष रह जाए? नहीं देवी मंदा, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भला आपको अपनी अर्धांगिनी क्यों स्वीकार नहीं करूंगा, अब जबकि विशेष रूप से मेरी माँ की अनुमति भी प्राप्त हो गई है हमें। तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? मेरे साथ मेरे पिताश्री के पास चलिए, उनसे मांग लीजिए मेरा हाथ, कर लीजिए मुझसे विवाह। तो फिर शनि जी ने देवी मंदा से क्या कहा, तपस्या अथवा विवाह, दोनों में से किसका चुनाव किया उन्होंने? लंकेश जी, इस प्रकार बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं आप? ओ, प्रतीत होता है पुनः इस तुच्छ मूषक से भयभीत हो रहे हैं। किंतु ये क्यों नहीं समझते आप कि यदि वो आपका पीछा कर भी रहा है तो भी वो आपको कोई क्षति पहुंचाने में कहां सक्षम है? और आपको तो ज्ञात है ना कि शुभ कार्य में आगे बढ़ते समय पीछे नहीं, दृष्टि सदैव आगे की ओर ही रहनी चाहिए, अन्यथा वो कार्य संपन्न नहीं होता। दशानन हूँ मैं, ना ही किसी देवता और ना ही किसी दानव का भय है मुझे। वो एक तुच्छ सा मूषक, वो क्या भयभीत करेगा मुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप अपनी कथा किसी भी कारण से मत रोकिए। अच्छा फिर बताइए, आगे क्या हुआ? क्या शनि जी ने देवी मंदा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? शनि जी को देवी मंदा का प्रस्ताव को स्वीकार करना ही था, और देवी मंदा की संतुष्टि के लिए उन्होंने गंधर्व राज चित्रसेन से उनकी अनुमति और आशीष प्राप्त कर देवी मंदा से विवाह कर लिया, और विवाह उपरांत देवी मंदा एक सुंदर वैवाहिक जीवन की कल्पना कर रही थी। किंतु शनि जी के मन में तो प्रभु शिव जी की ही तपस्या थी, और उसी तपस्या के कारण शनि देव के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ जिसके कारण उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। ये घटना उनके विवाह के बाद की प्रथम रात्रि की है, जब एक नववधू के रूप में देवी मंदा बड़ी ही उत्सुकता से अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वामी किसी भी समय यहाँ आते ही होंगे, मेरे आभूषण, मेरा संपूर्ण श्रृंगार सब उचित तो है ना? मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे स्वामी मुझे जब भी देखे तो बस मंत्र मुग्ध हो जाए। मैं तो कब से मंत्र मुग्ध हूँ प्रिय। मेरे ये पुष्प जो मैं अथक प्रयासों से बगिया से आपके लिए चुनकर लाया हूं, आपके रूप की तुलना में कांतिहीन प्रतीत हो रहे हैं। किंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि आप अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ देवी, तपस्या के लिए जाना तो अवश्य है, किंतु कुछ क्षण आपके साथ बिताने के पश्चात। आज का दिवस हमारे जीवन का एक विशेष दिवस है। आज के इस विशेष दिन पर मैं आपके साथ समय बिताए बिना कहाँ जा सकता था।
किस कल्पना में खोई हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी अब अवश्य मेरी ओर मुख करेंगे और मुझे देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी की दृष्टि तो एक क्षण के लिए भी मेरी ओर नहीं हुई। शनिदेव महादेव की भक्ति में रमने तो तत्पर थे, जबकि देवी मंदा अपनी डूबती आशाओं और आहत होती भावनाओं से दुखी व पीड़ित थी। देवी मंदा अपने स्थान पर उचित थी और शनिदेव अपने स्थान पर कुछ अनुचित था तो मात्र उस समय की परिस्थिति। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि अपने क्रोध के कारण हम स्वयं अपना ही अनिष्ट कर लेते हैं। कारण कोई भी हो, किंतु स्वयं पर क्रोध का अधिक प्रभाव कदापि नहीं होने देना चाहिए। प्रतीत होता है मेरे कथा वाचन से आपको उचित सीख प्राप्त हो रही है गणेश जी। ऐसी कथाओं का मात्र श्रवण करना अथवा उन्हें किसी अन्य को सुनाना व्यर्थ हो जाता है, यदि उनसे प्राप्त सीख का प्रयोग स्वयं अपने जीवन में ना किया जाए। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं शिवनंदन? अधिक कुछ नहीं, मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूँ कि आप महाज्ञानी महापंडित हैं। आपसे तो अभी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। अब ये मूषक जी कहाँ गए? वो लंकेश पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? ये महाशय तो कथा से सीख लेने के स्थान पर निद्रा के प्रभाव में है, विश्राम कर रहे हैं। क्या हुआ गणेश जी? नहीं नहीं कुछ नहीं दशानंद, ये लीजिए जल ग्रहण कीजिए। दशानन को इतने जल का पान करवा चुका हूँ मैं, किंतु अभी तक लंकेश को लघु शंका की आवश्यकता ही नहीं हुई। और उस पर ये मूषक जी, ये तो निद्रा में लीन है। अब मैं क्या करूँ? मूषक जी को उनकी निद्रा से कैसे जागृत करूँ? लंकेश जी, आगे बढ़ने के पूर्व हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। अब तो ऊंचे स्वर में चित्कार कर ही नहीं जगाना होगा। जय हो शिव शंकर शंभु, जय शिव शंकर शंभु, जय हो शिव शंकर शंभु, जय हो शिव शंकर शंभु, जय शिव शंकर शंभु, जय हो शिव शंकर शंभु, जय हो शिव शंकर शंभु, जय हो शिव शंकर शंभु। मूषक जी भी ना। ये तीसरा स्वर किसका था? तीसरा स्वर? हाँ तीसरा स्वर। हम दोनों ने प्रभु का जयगान किया, उसके बाद जिस स्वर में प्रभु का जयगान हुआ वही तीसरा स्वर। ओ, प्रभु का ही जयगान सुनाना आपने, तो फिर चिंता किस बात की? महादेव के भक्त तो सर्वत्र विचरण करते हैं, कोई यहाँ भी निकट कहीं होगा जिसने हमारे मुख से उनका जयगान सुन स्वयं भी भक्ति भाव से जयगान कर दिया होगा। एक तो महादेव की अनुपम कथा और वो भी एक परम ज्ञानी महापराक्रमी परम वेद ज्ञाता
एवं महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन के मुख से। कितने भाग्यशाली होंगे ये पर्वत, ये पत्थर, जिन्हें आज मेरी भांति कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी तो मात्र अपने प्रभु की भक्ति में लीन है, उनके लिए तो मेरा अस्तित्व, मेरी प्रतीक्षा और मेरे अगाध प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप और आपका प्रेम दोनों सर्वथा अद्भुत ही है। मैंने अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया, किंतु आपने मेरी इतनी सी भी सुध ना ली कि एक बार अपनी दृष्टि से मुझे देख भी लेते। आपकी नवविवाहिता, आपकी अर्धांगिनी संपूर्ण रात्रि आपकी प्रतीक्षा करती रही, किंतु आपने एक बार भी उसको नहीं देखा। वर्षों से इस अवसर का, इस दिवस की मैंने प्रतीक्षा की, किंतु आपने एक बार भी नहीं देखा। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे उसका सर्वनाश होगा, उसका सर्वनाश होगा। ये आपने क्या कर दिया देवी, ये कैसा श्राप दे दिया मुझे? अब तो मैं चाहकर भी आपको नहीं देख सकता। मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था कि विवाह के उपरांत मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। इतने वर्षों आपने मेरी प्रतीक्षा की थी, कुछ वर्ष और कर लेती। मेरे साथ रहते रहते आप में इतना क्रोध कहां से आ गया देवी? तपस्या संपन्न होने के पश्चात तो मैं आपके पास ही आने वाला था। मैंने ये क्या कर दिया स्वामी? दुर्भाग्यवश ये मुझसे क्या हो गया? शांत हो जाइए देवी, कदाचित यही विधि का विधान है या फिर मेरे कर्मों का फल। आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। किंतु अब मेरी उस चुनौती और प्रतिज्ञा का क्या जो मैंने सूर्य देव के समक्ष लिए थे? मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और अब इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं। ओह, ये आपने क्या कर दिया देवी? अब मैं इस श्राप के साथ जीवन कैसे बिताऊंगा? कैसे उन महान लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? ना पिता का प्रेम मिला, ना माता का संग,
परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि पत्नी को पाकर भी मिला तो मात्र एक श्राप। अभी तो और भी कई झंझावात आने शेष थे शनि के जीवन में भी, एवं शनि के कारण और भी कईयों के जीवन में भी। एवं परिस्थिति के समक्ष किसी का वश नहीं चलता, इसलिए जो पूर्व में नियत है उसके घटित हो जाने पर व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।